हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मेस टीचर. वेलकम ऑल ऑफ इन एनविरा ऑनलाइन एजुकेशन. तो इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 15.1 अपन लोगों ने क्लियर कर लिया था. 15.2 के अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट के अंदर. इन दिस पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा 15.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से एंड तक के जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उनको अपन लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सोल्व करेंगे. तो यदि आप इस वीडियो पे नए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के लिंक में मैंने आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के पार्ट दे रखे, उनको आप लोग देखिए ताकि ये वाला पोर्शन आपको इजी वे में क्लियर हो सके. क्लियर? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन 15.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर में. फिफ्थ से स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको गिवन है यहाँ पर. द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज द 10.5 सेंटीमीटर. देन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय ए मिनट हैंड इन ए 10 मिनट. क्लियर? तो समझो ये बात क्या दे रखा है. आपको एक वॉच आपके पास घड़ी होती, उसका जो आपके पास मिनट वाली जो सुई आपके पास होती, मिनट हैंड जो आपके पास होता है, उसकी लेंथ आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर. क्लियर? 10.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है. तो क्या करना है आपको, एरिया फाइंड आउट करना है उसके. जो आपके पास में मिनट वाली जो आपके पास में आर्म है वो आपके पास में 10 मिनट के अंदर कितना एरिया क्लोज करेगी, उस क्लोज एरिया का क्या करना है आपको, एरिया निकालना है. क्लियर? देखो ये वॉच है, ठीक है ना. ये समझो आपके पास में गया एक मिनट आम आपके पास में, ये जब क्लॉक वाइज घूमेगी आपके पास में तो 10 मिनट के अंदर समझ लो यहां से यहां पर आ गई आपके पास. आगे तो ये जो एरिया क्लोज कर रहा है ये वाला पोर्शन, ये जो एरिया आपके पास में, इस एरिया की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है. सेंटर पॉइंट आर है, सॉरी ओ है, और ये दोनों आपके पास में रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास होगी. जो रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास होगी वो क्या होगी, मिनट आर्म के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. क्लियर? तो जब भी आप वॉच वाले क्वेश्चंस करते हो जिसमें आपको मिनट आर्म दे रखा है, सेकंड आर्म आपको दे रखा है, तो उसकी मिनट आर्म और सेकंड आर्म की जो लेंथ आपके पास होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्किल की हो जाएगी, इक्वल. तो इसके अंदर गिवन क्या, लेंथ ऑफ मिनट हैंड वो आपको क्या दे रखा है आपके पास यहां पर, 10.5 सेंटीमीटर गिवन है आपको. क्या फाइंड आउट करना है कि 10 मिनट के अंदर उसने कितना एरिया क्लोज किया, ठीक है ना. तो फाइंड आउट क्या करना है, एरिया स्वेप बाय ए मिनट आर्म, मिनट हैंड या आर्म इन 10 मिनट. क्लियर? स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको. क्लियर? देखो रेडियस ऑफ सर्किल तो आपके पास में आ गई 10.5 सेंटीमीटर. ये जो एरिया आपके पास में क्लोज हो रही है आपको सेक्टर का एरिया दिख रहा है, और सेक्टर के एरिया में आपके पास एक अननोन वैल्यू आपके पास में कौन सी है, थीटा है. कि थीटा की वैल्यू मेरे पास में कैसे होगी वो आपको बताना है, ठीक है ना. तो मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक बताया था, डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कि मिनट आर्म जो आपके पास होती है, मिनट हैंड जो होती है वो वन मिनट के अंदर कितना एंगल बनाती है आपके पास में, वो बनाती है 6 डिग्री का एंगल. तो एंगल फॉर्म बाय ए मिनट आर्म या मिनट हैंड इन 1 मिनट. तो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाती है वो कितना था आपके पास में, 6 डिग्री था, ठीक है ना. देन एंगल फॉर्म माई मिनट हैंड इन 10 मिनट किसके इक्वल होगा, 6 × 10 कर दूंगा मैं यहाँ पर, मेरे पास जो एंगल आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री. कि वो जो 10 मिनट में जो रोटेट होगा तो कितना एंगल बनाएगा आपके पास में, 60 डिग्री का आपके पास में एंगल बनाएगा. थीटा की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, 60 डिग्री आ गई, ठीक है ना. अब जो एरिया क्लोज हो रहा है ये क्या शो कर रहा है आपको, सेक्टर का एरिया कर बता रहा है. तो एरिया स्वेप्ट, कितना एरिया स्वेप्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर. और एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास में क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आपके पास. क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं. पाई की वैल्यू होती है 22/7. आर आपके पास में कितना है, 10.5. तो 10.5 × 10.5 एंगल थीटा कितना है, 60 डिवाइड में आपके पास में कितना है, 360. ये क्लियर हो गया. यहां से आपने एक पॉइंट को हटाया, मेरे पास एक जीरो आ गया, एक पॉइंट को और को हटाया, एक जीरो आपके पास में और आ गया.
60 से आपने इसको कट किया, 6 टाइम आपके पास में क्या होगा, ये वैल्यू कट होगी। नेक्स्ट उसके बाद 7 की टेबल से 105 को कैंसिल किया, कितने टाइम हो गया 15, 7 जा कितने हो गया आपके पास में 105। नेक्स्ट वैल्यू इसको और कट करते हैं, देखो 3 की टेबल से ये मेरे पास में 2 टाइम और ये 5 टाइम आपके पास, फिर 2 की टेबल से ये मेरे पास कितने टाइम हो गया 11 टाइम आपके पास। तो वैल्यूज कौन सी आपके पास बची, 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 100 आपके पास में वैल्यू बचेगी। क्लियर, अब इनको मल्टीप्लाई करते, देखो 11 मल्टीप्लाई 5 किया आपने 55 होगा, 55 को आपने 105 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 525, तो 5775। क्लियर, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 5775 डिवाइड में पास वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो जो एरिया आपके पास में होगा इस बार वो कितना बन गया 57.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में क्या होगा टोटल एरिया जो क्लोज करेगी आपके पास में मिनट आप इन 10 मिनट को कितना आएगा आपके पास में 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में। ठीक है ना, तो वो सिंपल है, कितना एंगल बना रहा है वो निकाल दो, फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उसमें वैल्यू पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है ना, तो फिफ्थ हो गया क्लियर, सिक्स्थ पे फोकस करते हैं हम। सिक्स्थ क्या दे रखा है कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबस्टेंड बाय ए कोट एट द सेंटर इज 90 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब सेगमेंट क्या होता है कि सर्किल में कोट जो होती है वो इसके सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो इसमें माइनर सेगमेंट होगा वो क्या होगा, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो स्मॉलर पार्ट जो होगा वो होगा माइनर सेगमेंट, लार्जर पार्ट होगा वो क्या होगा मेजर सेगमेंट आपके पास। क्लियर, तो इसमें गिवन क्या पहले वो लिखते हैं, गिवन क्या, देखो आपको रेडियस ऑफ सर्किल दे रखी है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू आर इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल सबस्टेंड बाय ए कोट एट द सेंटर इज 90 डिग्री, तो एंगल जो थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है 90 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 डिवाइड के अंदर 7 मल्टीप्लाई आर कितना आपके पास में 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 90 और डिवाइड में कितना आपके पास में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कितना है 90 आपके पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो 22 का 22 पॉइंट हटाया आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर 20 आ गया, फिर इसको कट करते हैं, देखो 90 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, 7 के टेबल से कैंसिल होगा 5 टाइम। क्लियर, और कट करो ये हो गया आपके पास में 2 टाइम्स और ये हो गया 11 टाइम, बस वैल्यू क्या बचे देखो 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 100 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से पॉइंट को हटाया यहां से पॉइंट को हटाया नीचे 200 आपके पास में आ गया 20 आ गया आपके पास में, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 35 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, 5 से इसको कट किया 20 टाइम आपके पास, 5 से इसको कट किया ये हो गया 7 टाइम, 5 से इसको कट किया कितने टाइम हो गया ये 4 टाइम आपके पास हो गया। वैल्यू देखो क्या आती है 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस, इसको सॉल्व किया 5 की टेबल से ये 7 टाइम, 5 की टेबल से ये 20 टाइम, 5 की टेबल से ये 7 टाइम, 5 की टेबल से कितने टाइम 4 टाइम, 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है यहां तक सबको, तो ये होगा 77
डिवाइड बाई 8 माइनस 49 डिवाइड बाई 8, दोनों का एलसीएम आ गया 8, बस वैल्यू कितनी आ गई 77 माइनस 49, 77 माइनस 49 कितना होगा फिर बस में 28 अपॉन 8, आगे सोल्व किया तो ये हो गया 14 अपॉन 4, आगे सोल्व किया कितना हो गया 7 अपॉन 2, आगे सोल्व किया बस वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आएगा वो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 की जगह से कटते गए इसको, लास्ट में 7 अपॉन 2 कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5th और 6th आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो को पॉज कीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सो नेक्स्ट अपन फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th के ऊपर, 7th आपको क्या गिवन है उसको देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेंट का, वन क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है यदि सर्कल की सर्कमफेरेंस आपके पास में 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट आपके पास में क्या होता है, देखो ये आपके पास में सर्कल है, सर्कल में अगर मैं पास एक्सिस को शो करूं तो ये मेरे पास में वाई एक्सिस, मेरे पास में और मेरे पास में एक्स एक्सिस, मेरे पास में एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश आपके पास में। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये क्या होता है फोर्थ होता है, ठीक है ना। चारों के जो एरिया आपके पास होंगे, एरिया और फोर्थ सबके आपके पास एरिया होंगे वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इस सेंटर पॉइंट से आपके पास में क्या होता है सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास होगा। तो क्या करना आपको, इस एक क्वाड्रेंट का क्या करना आपको एरिया निकालना, ठीक है ना। और इसकी रेडियस आपको कुछ दे नहीं रखी, इसकी सर्कमफेरेंस आपको दे दी है 22 सेंटीमीटर। मेरे को बताओ अगर इस एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है तो टोटल सर्किल का ये कितना परसेंट एरिया आपके पास में, 1/4 आपके पास एरिया है नहीं, टोटल सर्किल के एरिया में अगर मैं 4 का डिवाइड दे दूं तो मेरे पास में क्या ये इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास में आएगा नहीं आएगा, यस आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे गिवन क्या आपको, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल वो गिवन है आपको कितना 22 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपको दे रखी है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होती क्या एक्चुअल के अंदर, वो आपके पास होती है 2πr इक्वल टू 22 आपको दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल में 22 से 22 किया कैंसिल, 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल में 1, तो आर इक्वल में 7 अपॉन, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास में कितनी आ गई है 3.5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट जो आपके पास होता है, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट आपके पास जो होगा वो क्या होगा आपके पास में, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाय 4 होगा, नहीं होगा, टोटल सर्किल के एरिया का फोर्थ पार्ट होगा नहीं होगा। एरिया ऑफ सर्किल आपके पास में कितना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाय 7 आर, आर इसके मतलब कितना हो गया 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड के अंदर 4 आपके पास में है ही है ये वाला 4, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया 10, एक पॉइंट हटाया 10 आपके पास 4 आ गया। नेक्स्ट 7 की टेबल से ये 5 10, क्लियर, 5 से इसको कट किया ये 20 10 आपके पास में हो गया, वापस 5 की टेबल से 7 टाइम और ये कितने टाइम 4 टाइम, मेरे पास वैल्यू कितनी बची 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये वैल्यू आ गई 154 डिवाइड बाय 16। करना क्या आपको, 16 का डिवाइड देना है 154 के अंदर, क्लियर, 16 का डिवाइड देना है 154 के अंदर, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई 4 आपके पास हो गया 16, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या वैल्यू आपके पास में आती है, देखो डिवाइड दिया 9 टाइम आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 16 9 आपके पास कितना होता है
144 होता है, माइनस किया 10, पॉइंट लगाया 10, 16 से कितना होता आपके पास में, 16 6 होता आपके पास में 96, माइनस किया 4, 40 कितना हो गया आपके पास में 9.62 डायमेंशन किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इसकी और क्या आ गया एक कोऑर्डिनेट का आपके पास में क्या आ गया एरिया आ गया। टोटल सर्किल के एरिया को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा एरिया ऑफ वन कोऑर्डिनेट आपके पास में आएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट नंबर देखो कैसे करें, ये आपको क्लियर हो गया किस टाइप से किया, तो वापस एक बार समझ लो, टोटल सर्किल के एरिया को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में चारों कोऑर्डिनेट के एरिया आएंगे, चार कोऑर्डिनेट के एरिया मिलकर एक सर्किल के एरिया को बनाते हैं, चारों के इक्वल एरिया आपके पास होते हैं, तो अगर एक कोऑर्डिनेट का मेरे को एरिया निकालना है तो टोटल सर्किल के एरिया को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो इस वन कोऑर्डिनेट का आपके पास में आएगा एरिया। इसमें आपको सर्कमफेरेंस दे रखी थी उसका यूज करते हो आपने रेडियस निकाल दी 3.5 सेंटीमीटर आपके पास में, क्लियर 3.5 सेंटीमीटर सर्किल की रेडियस आ गई। फिर एरिया ऑफ वन कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाई 4, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड में 4, इसको सिंपलीफाई किया मेरे पास ले लो कितनी आ गई 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखते थे गिवन क्या है, लिख दो देखो पढ़ो एक बार इसको, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस हैंड इन 7 मिनट, ठीक है ना, 7 मिनट के अंदर कितना एरिया बनाएगा आपके पास में वो बताना है, ठीक है ना। तो मिनट हैंड आपको जो दे रखी है वो 5 मीटर लॉन्ग आपको दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस हैंड इन द 7 मिनट आपके पास। देखो ध्यान दो एक बार, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास में मिनट आर्म जो आपके पास होती है, ठीक है ना, अब यहाँ पे मिनट आर्म आपके पास नहीं हो क्या, आपके पास मिनट आर्म आपको दे रखी है, मिनट हैंड आपको दे रखा है, ऑफ ए क्लॉक इज द 5 मीटर लॉन्ग, तो गिवन क्या आपको length of minute hand कितनी आपके पास में 5 मिनट, ठीक है ना, कितना एरिया स्वेप्ट कर दी कितने मिनट तक कर दी वो 7 मिनट तक आपके पास में कर दी, वो आपको फाइंड आउट क्या करना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट, ये निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे को बताओ एरिया फॉर्म बाय ए मिनट एंड इन 1 मिनट आपके पास में क्या होता है, तो एंगल फॉर्म बाय ए मिनट एंड बाय ए मिनट एंड इन 1 मिनट कितना होता है, वो आपके पास होता है 6 डिग्री, आपके पास 6 डिग्री होता है, तो एंगल फॉर्म बाय ए मिनट एंड इन आपके पास 7 मिनट कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42 डिग्री आपके पास आया नहीं है, आ गया ये वाला। नेक्स्ट है आपके पास में थीटा की वैल्यू आ गई है 42 आपके पास, रेडियस मेरे पास में क्या होती है जो मिनट आर्म या सेकंड आर्म की जो लेंथ होती है वही रेडियस होती है, एरिया स्वेप्ट अपन निकालते हैं वो क्या होगा, वो का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आपके पास सेक्टर का एरिया आपके पास। अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपन पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 डिवाइड बाय 7, आर कितना आपके पास वो है 5 मल्टीप्लाई 5, वैल्यू कितनी है थीटा 42 डिवाइड में 360, ये हो गया वैल्यू। मैं इनको सिंपलीफाई करते हैं सॉल्व करते हैं 5 की टेबल से, चलिए सबसे पहले क्या है कि 7 से इसको कट किया आपके पास कितना हो गया 76 या 42, ठीक है ना 76 या 42, 6 की टेबल से इसको कट किया आपके पास कितना टाइम हो गया ये 60 टाइम, क्लियर। नेक्स्ट फिर 5 की टेबल से कैंसिल होगा 12 टाइम आपके पास, 5 की टेबल से 12 टाइम वापस, ये हो गया 11 टाइम, ये हो गया 6 टाइम, वैल्यू देखो कितनी आती है 11 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6 बची आपके पास में, 11 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6
कितनी वैल्यू हो गया आपके पास में, 55 डिवाइड बाय 6, 6 का डिवाइड दिया आपने 55 के, 9 6 से होता है आपका 54, माइनस किया 8.0 वन टाइम, कितना हो गया 6, वापस माइनस किया 4, 40 आपके पास में, कितने टाइम जाएगा आपके पास में 6 टाइम, 9.16, तो 9.16 9.16 आपके पास में डायमेंशन इसकी क्या हो गया आपके पास में मीटर इसके, और आपके पास क्या हो जाएगा टोटल एरिया स्वेप्ट बाय ए मिनट आर्म इन द 7 मिनट का कितना आ जाएगा 9.16 मीटर इसके आपके पास, ठीक है ना। कई से कई क्वेश्चन यहां पर दे रखा है तो इसके लिए ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे मिनट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हर्ट्ज की बात हो रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, उसकी लेंथ आपके पास आर्क की आर्क 5 सेंटीमीटर आपके पास में, तो वो ध्यान देना किसी की जो मिनट जो आपके पास आर्ट्स वाली सुई होती है वो कितनी लेंथ की दे रही है 5 मीटर, आर्ट्स वाली सुई आपके पास 1 मिनट के अंदर कितना इंटरसेप्ट करती है आपके पास में, वो करती है 1/2 डिग्री आपके पास, ठीक है ना। तो कितना करती है आपके पास में जो आर्ट्स वाली सुई होती है एंगल कितना फॉर्म करती है 1/2 डिग्री करती है 1 मिनट के अंदर, तो 7 मिनट में आपके पास में कितना आ जाएगा आपके पास 7 × 1/2 तो 7/2 डिग्री आपके पास आ जाएगी। फिर ये वैल्यू जो 42 है 7/2 करना, शायद किसी बुक में यहाँ पर मिनट दे रखा है किसी में आर्ट्स दे रखा है, तो दोनों से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली नहीं है। आर्ट्स वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर एंगल सेप करती है 1/2 डिग्री, तो 7 मिनट में कितना करेगी आपके पास में 7 × 1/2 7/2 डिग्री, फिर उसको आगे आप इजी में सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन 9th नंबर को फोकस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके पास 15.2 का, इस पार्ट नंबर 5th को अपन करेंगे क्लोज, क्लियर। देखो आपके पास 9th नंबर आपको क्या दे रखा है कि इन ए फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, जो ये फिगर आपको दे रखा है इसमें ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विच इन विच ए बी इज 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, फ्रॉम द ईच ऑफ द वर्टेक्स मतलब ए बी सी एंड डी एंड 4 आर वर्टेक्स आपके पास होंगे, फ्रॉम द ईच ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल 4 सर्किल विद द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ईच आर ड्रॉ, क्या लिखा रखा आपने इन चारों वर्टेक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों वर्टेक्स से आपने 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की क्या किया आपने एक सर्किल, क्या किया आपने यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस का क्या किया आपने एक सर्किल ड्रॉ किया है, जवाब लिख रहा आपको सर्किल वाला, क्लियर। तो फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस जो मैंने यहाँ पे शेडेड पोर्शन किया है इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या तरीका है कि ईच वर्टेक्स से आपने 3.5 मतलब ये सारी वैल्यू आपके पास में कितनी है 3.5 जो मैं इक्वल यहाँ पे कर रहा हूँ आपके पास में, तो ये मेरे पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो सारी वर्टेक्स ए बी सी एंड डी वर्टेक्स चारों से आपने 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का क्या क्या एक सर्किल ड्रॉ किया है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पर मेरे को बताए कि सर्किल के अक्रॉस रेक्टेंगल के एंगल कितना होता है दो साइड्स के बीच का 90 डिग्री आपके पास होता है नहीं होता है, तो ये सारे एंगल्स आपके पास कितने हैं 90 आपके पास, ए बी एंड सी डी बहुत सारे एंगल कितने हैं 90। अब देखो अगर सी को मैं यहाँ पर सी को यहाँ पर अगर एक पॉइंट मानू मेरे को बताओ, ये जो आप यहाँ पर अनसेडेड आपको पोर्शन दिख रहा है ये वाला हो गया ये वाला हो गया ये वाला हो गया ये वाला हो गया, ये चारों आपको एक सेक्टर के एरिया दिख रहे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपके पास, ये चारों सेक्टर आपके पास में है नहीं है, इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, इतना कर्व का आपके पास एंगल कितना आपके पास में 90 आपके पास में, तो सर्किल के मेरे पास में क्या है आपके पास में यहाँ पर एक सेक्टर आपके पास फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। आपको इस रिपोर्शन का निकालना है, इन चारों का अगर मैं निकाल दू एरिया उसको मैं रेक्टेंगल के एरिया में से कर दू माइनस, तो ये मेरे पास सॉलिड पोर्शन का एरिया आएगा नहीं आएगा ऐसा जाएगा, तो एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन आपके पास में जो होगा या सेडेड रीजन आपके पास होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ वन सेंटीमीटर,
फिर रेक्टेंगल के एरिया में से एक सेक्टर के फोर टाइम करके मतलब फोर टाइम्स एरिया ऑफ वन सेक्टर आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ए बी मल्टीप्लाई बी सी, ए बी मल्टीप्लाई सी माइनस फोर टाइम एरिया ऑफ वन सेक्टर, ए सेक्टर का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, ए बी हो गया 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 का 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाय 7 आर कितनी रेडियस का आपने क्लिक कर किया यहां पर 3.5 सेंटीमीटर का 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 एंगल कितना आपके पास यहां पर 90 डिवाइड में 360 आपके पास ये दोनों पॉइंट्स को आपने हटाया यहां से 20 आपके पास यहां पर ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं देखो नेक्स्ट 90 के इसको कट किया 4 टाइम ये 4 से 4 हो गए कैंसिल, 7 की टेबल सी है 5 टाइम क्लियर, 5 की टेबल सी है 20 टाइम, फिर 5 की टेबल सी है 7 टाइम और ये 4 टाइम वैल्यू कितनी आती 70 माइनस 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय कितना हो गया 4 हो गया 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4 ये हो गया 11 टाइम इसको कर दिया 2 टाइम कितनी वैल्यू की 70 माइनस 11 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 यस 70 माइनस 77 अपॉन 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 लिया मैंने यहां पर एलसीएम तो ये हो जाएगा 140 माइनस 77 डिवाइड बाय 2 140 माइनस 77 करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी ये जाएगी 63 अपॉन 2 63 में दिया आपने 2 का डिवाइड मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहां पर 31.5 सेंटीमीटर तो 31.5 सेंटीमीटर इसकी और आपके पास में क्या आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपके पास आ जाएगा किया कि आपने रेक्टेंगल के एरिया में से इस चार जो अनशेडेड आपके पास में इनका एरिया क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया क्लियर। तो ये आए समझ में आ गया होगा आपको तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। इस पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया है चैप्टर नंबर आपके पास में 15 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 के पार्ट नंबर 5 में मैंने डिस्कस किया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5th से लेके क्वेश्चन नंबर 9th तक एक्सरसाइज 15.2 के दिया। कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। थैंक यू सो मच।